गांव धारसुल की इस महिला को टोहाना के नागरिक अस्पताल में डिलीवरी करवाना इतना महंगा पड़ेगा इसने सोचा भी नहीं होगा। टोहाना के नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई इस महिला से पहले तो 3,000 रुपये डिलीवरी के लिए मांगे गए। उसके बाद इसकी एक बाजू में गलत इंजेक्शन लगने की वजह से इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से इसका हाथ काटना पड़ा। ये आरोप हम नहीं बल्कि महिला और उसके परिजनों ने लगाया। उन्होंने कहा कि जब डिलीवरी के लिए वे नागरिक अस्पताल में ले गए, वहाँ पर एक डॉक्टर ने 3,000 रुपये फीस की मांग की, जिस जो उन्होंने दे दिए, लेकिन एक गलत इंजेक्शन की वजह से उनकी बाजू में इन्फेक्शन हो गया और PGI में इलाज चला, जहां पर उनका हाथ काटना पड़ा। टोहाना के नागरिक अस्पताल का ये पहला मामला नहीं है जब रुपए मांगे गए हो। इसके अलावा भी अनेकों बार मामले आ चुके हैं जिसमें डिलीवरी के लिए महिलाओं से सरेआम पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन विडंबना देखिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। डॉक्टर जाँच के नाम पर कहकर मामले को दबा देते हैं। अब देखना होगा कि इन पर कार्रवाई होती है या फिर अगला नंबर फिर किसी महिला का आता है। हम 1 तारीख को डिलीवरी, 1 मई 1 मई को हम डिलीवरी के लिए गए थे टोहाना में, नीचे उस हॉस्पिटल में, वहाँ पे सचिन मंगला मिले थे हमें। उन्होंने कहा था कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, उन्होंने 3,000 रुपये लिए थे हमसे। फिर वो 6 बजे के आसपास नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन जिस टाइम उन्होंने लेफ्ट बाजू में इंजेक्शन लगाया उसकी वजह से रिएक्शन हो गया था। तो उनसे पूछा तो वो कहे कि और कहीं दिखा लो, इधर उधर फिरने के बाद हम हिसार चले गए। हिसार जा ट्रीटमेंट 3-4 दिनों का चलने के बाद फिर हम चंडीगढ़ PGI में चले गए जी, वहाँ पर उनकी बाजू काट दी गई जी। मैं इससे यही चाहते हैं कि इस पर पहले भी कई केस हैं जी, कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, पहले भी 1-2 इससे गलतियाँ हुई है। हम चाहते हैं कि अब सरकार ऐसे ना करे कि वो पहले वाला ही बन जाए, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जी इनके विरुद्ध जी, ताकि आगे यहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो जी। हमारे पास 1 मई 2020 को सुदेश कुमार नाम के पेशेंट यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी की आई थी, उसको लीवर पेन हो रहे थे, उसको तीसरा बच्चा था, उसको हमारे स्टाफ के द्वारा कैनला लगाया गया था। कैनला लगाने के बाद उसको इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद उसके हाथ पर स्वेलिंग हो गई और उसके बाद पेशेंट को आधे घंटे में डिलीवरी हो गई और पेशेंट का हाथ सूज गया। उसको दिखाने के लिए हमने उस टाइम पेशेंट घर ने कहा कि वो ठीक है, उसको दवाई लेके दे दी थी, पर अगले दिन पेशेंट को ने दोबारा मेरे फ़ोन किया कि वो दर्द हो रहा है, तो मैंने उसको उनको सर्जन पीने के लिए एडवाइज किया था। उसके बाद वो सब होते जाके उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था और वहाँ से ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और उनको उन्होंने एज पर भी मेरे को पता नहीं था, लेकिन पता चला कि 20 तारीख को उनका PGI चंडीगढ़ में हाथ काटना पड़ गया। देखो ये कैनले से पेशेंट को दिक्कत होनी है, कोई मैं नहीं मानता कि इसको दिक्कत हो, पर फिर भी ये जांच का भविष्य है, इसमें स्टाफ ने या किसी ने कैनल लगाया था, उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।